डे स्टूडेंट्स असलकम टुडे वी आर गोइंग टू कम्पेयर आर ऑनलाइन क्विक बुक्स विद आर डेस्क टॉप वर्जन एज यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द ऑनलाइन वर्जन लुक एंड फील इज़ विड डिफरेंट फ्राम वॉट वी आर अकस्टम टू यूजिंग द डेस्क टॉप वर्जन बट फॉर ऑबवियस रीजन क्योंकि अब आपको समझ में आ गई है कि उसमें काम की सलाहियत वही है लेकिन जो इंटरेक्शन में जो उसकी लुक एंड फील जो फॉन्ड्स हैं और सारा कुछ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा हमारा डेस्कटॉप वर्जन बहुत सुकून से बनाया गया है डेस्कटॉप के लिए और उसमें सारी फैसिलिटीज़ डाल दी गई हैं लेकिन यही फैसिलिटीज़ अगर सारी की सारी इंटरनेट पे दे दी जाती तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा इंटरेक्शन के लिए जो स्क्रीन होती है वो बड़ी हैवी हो जाती और हमारा इंटरनेट की जो स्पीड है उस पर ये काम हो नहीं सकता था शायद अब नेक्स्ट जनरेशन जो इंटरनेट आ रहा है उस पर यह भी पॉसिबल हो तो हमारी लुक एंड फील पूरी की पूरी डेस्कटॉप की आपको मिलना शुरू हो जाए ऑनलाइन वर्जन के ऊपर भी और आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन वर्जन ही रह जाए और डेस्कटॉप ख़त्म हो जाए उसकी बहुत सारी रीजंस हैं वो भी सुन लें रीज़न ये है कि इस वक्त जो तनासब है ऑनलाइन वर्जन का और डेस्कटॉप वर्जन का वो थर्टी सेवेंटी है लेकिन जो नए सिस्टम बिक रहे हैं उसमें इसका तनासब है 80 ट्वेंटी एट्टी परसेंट जो चीज़ें बिक रही हैं वो ऑनलाइन सिस्टम है और ट्वेंटी परसेंट डेस्कटॉप बिक रहा है तो थोड़े अरसे में इन दोनों का तनासब बराबर हो जाएगा और फिर ऑनलाइन आगे निकल जाएगा यही चीज़ हर बड़े ईआरपी सिस्टम में भी हो रही है सबसे बड़ी उसकी रीज़न ये है कि इसके पीछे जो डेटा सेंटर आपने मेंटेन करना पड़ता था एक पूरा का पूरा सर्वर रूम उसको देखने के लिए आपको एम्प्लॉइज चाहिए होते थे आपको पूरा नेटवर्क चलाना होता था आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती थी वो सारी झंझट कंपनी ने अपने सर ले ली अब कंपनी वाले ही 24/7, 365 सिक्सटी डेज आपकी तमाम मेंटेनेंस और बैकअप कर रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़े मसले से आज़ादी मिल गई चलें हम हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और हम अब दोनों वर्जन खोलते हैं और देखते हैं कि दोनों वर्ज़न हमको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और हमें उनमें आपस में ममासिलियत क्या क्या है तो लेट्स गो ओवर टू आर क्विक बुक्स आइए है देखते हैं हम कि हम अपने ऑनलाइन वर्जन पे किस तरह से काम कर सकते हैं जब हम कोई सेल्स करेंगे तो यकीनन हमें इन्वाइस बनानी पड़ेगी और उससे पहले हमें अपना कोई ना कोई कस्टमर अपने पास रजिस्टर करना पड़ेगा इसमें भी रजिस्ट्रेशन के वही कार हैं जो हमारे पास पहले हुआ करते थे कस्टमर हमारे पास पहले से मौजूद हैं हमने इसे रजिस्टर किया हुआ है और इनको हम जब देखना चाहेंगे तो उनकी ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल आपका सिस्टम दिखा देगा और अगर कस्टमर की अपनी डिटेल आप देखना चाहें तो आप कस्टमर डिटेल पे करें और ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जो आप फिल कर सकते हैं जिसमें उसका बिलिंग एड्रेस शिपिंग एड्रेस टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट मेथड प्रेफर्ड डिलीवरी मेथड ये तमाम चीज़ें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप अपने डेस्कटॉप वर्जन में करते थे उसी तरह से यहाँ करेंगे तो आपको मसला कोई नहीं होगा अच्छा ये हमारा रिकॉर्ड है तमाम सेल्स का सेल्स के रिकॉर्ड में जितनी इन्वाइस हमने रेस की हैं और जितनी हमारे पास पेमेंट्स आई हैं वो तमाम की तमाम लिस्टेड हैं ये हमारा ट्रांजैक्शन सेंटर है और ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से दे रहा है आइए हम देखते हैं कि हमारा क्विक बुक्स जो कि डेस्कटॉप वर्जन है वो हमें ये रिपोर्ट किस तरीके से देता है जब हम कस्टमर सेंटर जाते थे तो आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आती थी और जिस तरह से हम जिस भी अपने कस्टमर पर क्लिक करते थे वो उसकी डिटेल दिखाता था ये था हमारा इनकम ट्रैकर अब आप अपने डेस्कटॉप वर्जन का इनकम ट्रैकर को कंपेयर करें अपने ऑनलाइन वर्जन के इनकम ट्रैकर से आपको तकरीबन वही सूरत और शक्ल नज़र आएगी जो कि आपके पास डेस्कटॉप वर्जन में मौजूद है तो यहाँ तक तो पूरी कोशिश की है कि किसी किस्म की आपको कमी या कोई और इस किस्म की चीज़ आपको नज़र ना आए इसमें तमाम आपकी इन्वाइस पेमेंट्स वगैरह तमाम चीज़ें लिस्ट होंगी अगर आपने इन देखनी है तो इन्वास आपको नज़र आ जाएगी डिपेंड करता है सारी चीज़ें आपकी इंटरनेट स्पीड पे। अब आपने जैसे देखा कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ इन की डिटेल मांगी है तो वो उसने फ़ौर हमारे सामने इन की डिटेल ला दे दी है और इसी तरह से जब हम पेमेंट की डिटेल मांगेंगे तो वो हमें फ़ौर ही पेमेंट की डिटेल सारी की सारी ला के दे देगा यही सूरत हाल हमारे पास यहाँ होता है कि क्लिक ऑफ अ बटन ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियरली नज़र आ जाती हैं इस लिहाज से आप देखें तो हमारी लुक एंड फील में भी फ़र्क नहीं है असल फ़र्क जो आता है वह है आपके होम पेज पे। होम पेज में हमारे पास सारे सिंबल्स, सारे आइकॉन्स मौजूद थे जिससे हमें काम करने में अपने लिए लगता था कि बहुत आसानी हो गई है लेकिन अगर आप देखें तो कस्टमर सेंटर की ये तमाम चीज़ें हमारे पास ऑनलाइन वर्जन में भी मौजूद हैं यहाँ आप इन्वाइस भी बना सकते हैं यहाँ आप पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं या एस्टिमेट भी बना सकते हैं क्रेडिट नोट भी डाल सकते हैं सेल रिसीट भी डाल सकते हैं रिफंड भी कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें जो आप अपने पास इस होम पेज से किया करते थे वह तमाम की तमाम आप यहाँ पूरी की पूरी उसी तरह से कर सकते हैं जैसे आप अपने होम पेज पर पे करते थे सिर्फ यहाँ का जो होम पेज है वो एक मेन्यू है वहाँ का जो होम पेज था वो पूरा का पूरा ग्राफिक था ये दोनों का फ़र्क है लेकिन आप अगर आपको याद हो कि हम कस्टमर जाएंगे तो कस्टमर में भी वो तमाम चीज़ें लिस्टेड होंगी जो कि हमारे पास यहाँ होती है। तो ये आप ये समझिए कि हमारे पास ये होम पेज नहीं आ रहा बल्कि हमारे पास डेस्कटॉप के मेन्यू चल रहे हैं तो अगर आप यहाँ से चीज़ें देखना शुरू करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें कोई ख़ास फ़र्क है नहीं वो तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं इसी तरह से अगर हम वेंडर वाले पार्ट में आएँ तो आपको नज़र आएगा कि वेंडर की तमाम डिटेल्स भी हमारे पास मौजूद हैं यहाँ भी हमारे पास एक्सपेंसेस में वेंडर्स को सप्लायर्स कहा जाता है और जब भी आप सप्लायर्स को क्लिक करेंगे तो सप्लायर की डिटेल्स हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी ये जो आपको अब शक्ल नज़र आ रही है ये हमारे वेंडर सेंटर की है अब आप दोनों वेंडर सेंटर देखें हमारे पास एक जगह सारे के सारे नज़र आ रहे हैं जितने भी हमारे सप्लाइज होंगे और उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास वेंडर सेंटर में तमाम हमारे सप्लायर्स की लिस्ट नज़र आ रही होती थी और उसके सामने उनकी डिटेल नज़र आ रही है और यही सूरत हाल पूरी की पूरी थी आपके पास आपके वेंडर सेंटर ऑन द डेस्कटॉप इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ ज़्यादा थी वो ये था कि आपकी तमाम लाइनें रंग बिरंगी थी यहाँ आपको शायद उतनी ज़्यादा कलरफुल इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो लेकिन डिटेल सारी की सारी ट्रांजेक्शन डिटेल सारी की सारी वही मौजूद हैं जिस तरह से हमारे पास नीचे दिए गए डेस्कटॉप पे मौजूद हैं तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो सिवाय लुक के बाकी तमाम डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन इधर मौजूद हैं तो ये कहना कि इसको इस्तेमाल करने में मुश्किल होगी ये गलत है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप ये इस्तेमाल करते थे आपने ये वाली चीज़ भी इस्तेमाल करेंगे ऑनलाइन और आपको कोई दुशारी नहीं होनी चाहिए इसी तरह से अगर हम सेल्स में आते हैं और कस्टमर में जाते हैं तो यहाँ हम कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपने कस्टमर सेंटर में वो तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकते थे इसमें उसकी डिटेल की ट्रांजेक्शन एवरी थिंग इज़ अवेलेबल और जब भी चाहें हम बिल्कुल वही लुक एंड फील इसकी बना सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर दिए हुए इस आइकॉन को क्लिक करने से जैसे ही आप इस आइकॉन को क्लिक करेंगे कस्टमर सारे यहां लिस्टेड होंगे जिस कस्टमर को आप चूज करेंगे उसकी तमाम ट्रांजेक्शन आपको नजर आ जाएगी आइए हम एक काम करते हैं अपनी सहूलत के लिए एक कस्टमर और बनाते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि हम ये काम कैसे करेंगे हम सिर्फ यहां ये करते हैं कि इसको कंपनी का नाम देते हैं इसके अलावा फिलहाल हम इसको बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस वगैरह हम नहीं देते और सिर्फ एक छोटा सा एड्रेस दे देते हैं क्योंकि वी आर ओनली टेस्टिंग आउट आर सिस्टम अब हमारे पास एक वक्त में दो सप्लायर नज़र आ रहे हैं एक हमारा सेमेंट सप्लायर है और दूसरा हमारा वो सप्लायर जो हमने पहले से इधर रखा हुआ था अब आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाएंगे तो हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमने यहाँ रजिस्टर की हुई है वो सारी नज़र आएंगी लेकिन क्योंकि हमारे पास ये जो पैकेज है ये ज़रा लिमिटेड पैकेज है इसमें आपको बहुत सारी ऑप्शन नहीं मिलेगी मुख्तलफ़ टाइप के प्रोडक्ट्स खोलने की इसके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं फ़िलहाल वो नॉन इन्वेंट्री आइटम्स हैं या सर्विस आइटम्स हैं तो हमने सर्विस आइटम काफ़ी सारे यहाँ खोले हुए हैं और हम उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए एक सेल्स बुक करते हैं और एक इन्वाइस क्रिएट करते हैं अब आपने देख लिया कि इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट कुछ टर्म्स आ गई हैं लेकिन हम जो आई हुई है उसी को चलने देते हैं और यहाँ हम अपनी पसंद की प्रोडक्ट डाल देते हैं जब हम इसके अंदर कोई प्रोडक्ट डाल देंगे तो हम इसके ऊपर स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें जैसे आपको पहले से बताया था ये सारी चीज़ें जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हम एक ही आइटम डाल के इसको सेव कर लेते हैं और हमारे पास ये एक नई इन्वाइस सेव हो गई है आइए देखते हैं कि क्या ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही और आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त दो ओपन इन्वाइस हैं और उनकी वैल्यू भी हमें नज़र आ रही है और डिटेल भी नजर आ रही है जैसे ही हम इन्वाइसिस के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास सारी इन्वासिस की डिटेल आ जाएगी इसी तरह से अगर हम कस्टमर वाइज देखना चाहें तो ये हमारे पास कस्टमर वाइज भी डिटेल आ जाएगी अगर हमने इस कस्टमर को लिया है तो कस्टमर सेंटर उसकी डिटेल दिखाएगा इस कस्टमर को लिया है तो हमारा सेंटर इसकी डिटेल दिखाएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन उसी तरीके की लुक एंड फील है जो कि हमारे पास पहले से ही मौजूद थी अब आप डैशबोर्ड पर आके देखें तो फौरी तौर पर जितनी हमारी इनकम और सेल्स हुई है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी ये चीज़ हम इनकम ट्रैकर से जैसे आपने देखा कि हमारे पास इनकम ट्रैकर पे ये तमाम चीज़ें वहाँ आया करती थी ये क्योंकि हमारा मेन डेस्कटॉप है इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है और इसमें इसलिए इतना सारा डेटा आपको नज़र आ रहा है लेकिन लुक एंड फील के हवाले से चंद फीचर्स के अलावा आपको तकरीबन वही लुक एंड फील मिल रही है जो कि आपके पास पहले से थी आइए सप्लायर्स में भी हम एक नया ऐड करते हैं सप्लायर और उसके भी अगेंस्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से ये काम होगा ये एक हमारा सीमेंट डिपो है जो हमें सीमेंट सप्लाई करता है अब हमारे पास दो मुख्तलिफ सप्लायर्स आ गए और ये हमें एकमेंट दे रहा है रेंट के ऊपर इसकी अमाउंट हमने डाल दिए यहाँ और इसको सेव कर दिए अब हमारे पास एक्सपेंस सेव हो गया और अब जब हम डैशबोर्ड पे जाकर देखेंगे तो वो हमें सारी डिटेल दिखा देगा हमारी इनकम कितनी हुई है सेल कितनी हुई है और हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्या क्या हैं एक्सपेंसेस की डिटेल जब आप देखना चाहें आपके पास तमाम एक्सपेंसेस की डिटेल यहाँ मौजूद है क्योंकि अभी तक ये सारे एक्सपेंसेस हमने पे ऑफ नहीं किए हुए तो आप हाँ इन्हें व्यू भी कर सकते हैं और चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं अब आए अपनी रिपोर्ट्स पे हमारे पास पूरी एक प्रिंटेड रिपोर्ट फॉर्मेटेड जो है वो हमें यहाँ नजर आएगी जिसमें हमारे पास क्या इनकम हुई है क्या एक्सपेंस हुआ है सारा का सारा रिस्टेड है एक चीज याद रखें क्योंकि हमने ये ऑनलाइन सिस्टम लिया था पाकिस्तान के लिए इसलिए इसके ऊपर जो आपको करेंसी नज़र आ रही है वो पी आर एस है यानी पाकिस्तानी रुपी तो ये आप चाहें तो प्रिंटर पे भी भेज सकते हैं चाहें तो पीडीएफ ले सकते हैं आपके पास कंप्लीट रिपोर्ट मौजूद है सो ओवरऑल वी कैन से दैट द लुक एंड फील इनिशियली माइट बी ए बिट डिफरेंट प्रोम आर डेस्क प्रो लेकिन जैसे जैसे आप डेस्क टॉप के साथ साथ ऑनलाइन इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये भी उतना ही आसान है बल्कि शायद ज़्यादा आसान आपको लगे और आप सबसे बड़े फ़ायदा ये है कि आपने कहीं से भी इस्तेमाल कर लेना है बैकअप का आपको कोई मसला नहीं है ना आपने उसके बारे में सोचना है कि हमने रखना है करना है क्या करना है ऑटोमेटिक हो रहा है और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आप अपनी रिपोर्टिंग जिसको भेजना चाह रहे हैं ज़रूरी नहीं कि आप उसको प्रिंट करके भेजें आप ये ऐप उसको दें अपने मोबाइल पे और वो ऐप के ऊपर ही ये तमाम चीज़ें जहाँ से मर्जी बैठ के चेक कर सकता है ये है सबसे बड़ा फ़ायदा मैनेजमेंट को मैनेजमेंट का हमेशा आपके पास होना या आपसे ये कहना है कि इसको पीडीएफ करके मुझे ईमेल कर दो की ज़रूरत नहीं है मैनेजमेंट के लोग जहाँ कहीं भी होंगे मुल्क में या मुल्क से बाहर लॉग इन हो आप उनके पास ऐप है ऐप पे अपनी सारी की सारी कारदगी दिन की वो जब चाहे देख सकते हैं और ये फैसिलिटी आपको क्लाउड बेस से ही आ सकती है क्योंकि आपने क्योंकि अगर आपके पास कोई टाइम डिफरेंस हो अगर वो किसी ऐसे मुल्क में गए हुए हैं मैनेजमेंट के चंद लोग जहाँ रात हमारी जब होती है तो वहाँ दिन होता है तो आपको रात में उनको मैनेजमेंट रिपोर्ट्स भेजना बड़ा मुश्किल होगा और अगर आपका सर्वर रूम भी बंद है तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो सारी रिपोर्ट्स उनको जा सके लेकिन इस केस में क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास स, आपके सर्वर पे है ही नहीं ये क्लाउड बेस्ड है कंपनी अपने पास मेंटेन कर रही है तो बसानी ये सारी रिपोर्ट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जिसको चाहिए जो ऑथोराइज बंदा वो आराम से जनरेट करके देख सकता है